हेलो गाइस, सो वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वी एच फार्मा में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फिफ्थ लेक्चर है, जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस की, तो उसके अंदर फर्स्ट यूनिट चल रही थी और इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है शेड्यूलशुदा रूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था शेड्यूलशुदा एक्ट। इसके अंदर टोटल दो शेड्यूल्स थे, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलशुदा रूल, और हमने इसका भी बेसिक तो हमने उसी वीडियो के अंदर देख लिया था, तो अब देखेंगे इसका आगे वाली जो चीज़ें थी वो। तो शेड्यूल्स टू द रूल्स के अंदर जो शेड्यूल्स के नंबर होते हैं वो फिक्स नहीं होते। ये जो हमारा जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स हैं 1935, इसके अंदर जब भी अमेंडमेंट होता है तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। इसका नंबर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हर किसी का एक एक, जैसे भी कि अमेंडमेंट में कुछ जोड़ते हैं तो उसमें चेंजेस आते जाते हैं। तो इस तरीके से इसका नंबर है जो बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ कि जो शेड्यूल टू द रूल हैं, जैसे कि शेड्यूल एन है, तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फार्मेसी को रन करने के लिए, तो वो शेड्यूल नाइन के अंदर दी गई है सारी उसकी इंस्ट्रक्शन। तो कैसे दी गई है उसको हम पहले एक बार उसके अंदर जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको देख लेंगे तो उससे हमारी जो इमेज है वो क्लियर हो जाएगी और हमको जो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उससे हमको जो अंदाज़ा हो जाएगा और उससे हमें आगे समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल एन के अंदर, जैसे कि लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी को रन करने के लिए मिनिमम जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है जिन जिन चीज़ों की, तो वो इस शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल एन के अंदर इसकी डिटेल दी गई है। तो इसके अंदर जैसे कि इंट्रेंस है तो उस पर फार्मेसी लिखा होना चाहिए, उसका जो प्रमाइसेस है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसका एरिया कैसा होना चाहिए, उसके रूम की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर फर्नीचर कैसा होना चाहिए, अपरेटस कैसे और उसका कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ पे वो किस तरीके से वो व्यवस्थित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है जो शेड्यूल एन के अंदर दी गई है। और भी ड्रग्स हैं तो उनको कैसे उनका मैनेजमेंट करना है किस तरीके से। और जैसे कि अब अगले पेज को जूम करते हैं तो ऐसे शेड्यूल एन के अंदर तीन पेजों में इसकी सारी डिटेल दी गई है। सारी डिटेल्स है जैसे कि इसमें ऑपरेटर्स कौन कौन से होने चाहिए और इसमें बुक्स कौन कौन सी साथ में होनी चाहिए, जनरल प्रोमिसेस और कुछ नोट दिए गए हैं। तो इस तरीके से हर एक शेड्यूल के अंदर सारी जो डिटेल हैं वो दी गई है हर एक शेड्यूल के अंदर। तो वो कम्प्लीट डिटेल है, लेकिन हम उनके जो शेड्यूल है उनकी एक छोटी छोटी डिटेल देखेंगे कि उसके अंदर बेसिकली उसका मोटा मोटा क्या दिया गया है उसके अंदर, जिससे कि हमें थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये सिलेबस के बाहर वाली वीडियो थी, मतलब कि जो अपने काम का नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपन चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें एक एक करके हम सारे शेड्यूल्स टू द रूल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल है ए के अंदर क्या दिया गया है, फॉरम एंड फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनके फॉर्म्स दिए गए हैं और उनके जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ लेटर है, वो दिए गए हैं। किस तरीके का लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरीके का फॉर्म होना चाहिए, तो वो सारी जो डिटेल है वो इस शेड्यूल ए के अंदर कंप्लीट दी गई है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल वी की। तो शेड्यूल वी के अंदर फीस स्ट्रक्चर फॉर ड्रग एनालिसिस बाय सीडीएल या फिर कोई भी अदर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है या उसका जो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी जो ड्रग का एनालिसिस करती है, जैसे कि कोई भी जो कंपनी है वो मेडिसिन बनाएगी तो वो पहले ड्रग का एनालिसिस करवाएगी। तो उसके अंदर हर एक तरीके का जो ड्रग है उसका एनालिसिस के लिए एक पर्टिकुलर फीस दी गई है। तो उस फीस को फीस की डिटेल इस शेड्यूल बी के अंदर दी गई है। अब हम बात करते हैं शेड्यूल सी की। शेड्यूल सी के अंदर क्या है, जितने भी पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, विटामिन, बैक्टीरियोफेज, सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस,
इनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, जैसे कि इसके तहत इसका इंपोर्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरीके से जो सीवन है इसके अंदर नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। सी के अंदर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ड्रग्स हैं, उनके स्पेशल प्रोविजन हैं, जबकि जो सीवन है उसके अंदर नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स हैं उनके स्पेशल प्रोविजन है। अब नेक्स्ट पर देखते हैं हम शेड्यूल डी। शेड्यूल डी के अंदर क्या है, ड्रग एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स से जो बाहर कुछ ड्रग्स हैं जिनको इंपोर्ट की कैटेगरी में नहीं माना जाता है, ऐसे ड्रग्स शेड्यूल डी के अंदर दिए गए हैं। हम बात करते हैं शेड्यूल ई वन की। शेड्यूल ई वन के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस दिए गए हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस के नाम दिए गए हैं जो आयुर्वेदिक सिद्धा एवं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर में आते हैं। अब हम बात करते हैं एफ एंड एफ वन। एफ वन के अंदर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट के लिए दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं एफ टू। एफ टू शेड्यूल, एफ टू शेड्यूल के अंदर सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। एफ थ्री के अंदर अम्बिलिकल टैप से रिलेटेड स्टेराइल अम्बिलिकल टैप से स्टैंडर्ड दिए गए हैं। एफ एफ के अंदर है स्टैंडर्ड फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस के स्टैंडर्ड दिए गए हैं एफ एफ शेड्यूल के अंदर। नेक्स्ट शेड्यूल है जी। जी के अंदर वेरियस ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस टू बी यूज्ड अंडर दी मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन के अंदर अंडर में जितने भी ड्रग्स और सब्सटेंसेस आते हैं तो उनके नाम शेड्यूल जी के अंदर दिए गए हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट शेड्यूल एच। जो हम नॉर्मली जो मार्केट में जो ड्रग्स होती हैं वो शेड्यूल एस की ड्रग्स होती हैं। अब शेड्यूल एस के अंदर क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जो आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो उसके प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है या फिर उस पर बेची जाती हैं, ऐसी ड्रग्स होती है शेड्यूल एच के अंदर और उनका नाम दिया गया है। लगभग 800 के लगभग ड्रग्स हैं जिनका नाम इस शेड्यूल के अंदर दिया गया है। अब देखते हैं शेड्यूल जे। शेड्यूल जे के अंदर वेरियस एलिमेंट या फिर डिजीज जिनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, जिनका ट्रीटमेंट किसी भी जो मार्केट में अभी करेंट में जितनी भी ड्रग्स हैं जितनी भी मेडिसिन हैं उनसे उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सके, उसका जो डिटेल है वो शेड्यूल जे के अंदर दी गई है। जैसे कि कोरोना चल रहा है अभी तो उसका भी कोई अभी मार्केट में फ़िलहाल कोई ड्रग नहीं है जिससे उसको ट्रीट किया जा सके, तो ये शेड्यूल जे के अंदर डिस्क्राइब्ड है। अब बात करते हैं शेड्यूल के की। शेड्यूल के अंदर वेरियस सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। इसके अंदर शेड्यूल के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस और ड्रग्स दिए गए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी में नहीं आते, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स की कैटेगरी में नहीं आते। अब बात करते हैं शेड्यूल एम की। शेड्यूल एम के अंदर रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रमाइसेस वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसका प्रमाइसेस कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसका कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल के लिए किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए और प्लांट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो इसके अंदर डिटेल के अंदर डिटेल में दी गई है शेड्यूल एम के अंदर। अब है लास्ट मतलब कि जो अगला एम वन। एम वन के अंदर रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रोमाइसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। होम्योपैथिक ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो फैक्ट्री के प्रोमाइसेज है उसकी जो बिल्डिंग है उसका वेस्ट डिस्पोजल जो सारी चीज़ें ऊपर वाले में थे एम के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए भी है, तो ये एम वन के अंदर दी गई हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एम टू। एम टू के अंदर सेम चीज़ थी लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स के लिए थी, कॉस्मेटिक्स
कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री की प्रोमाइसेस से बेस्ट डिस्पोजल है, उसका कैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, तो वो सारी डिटेल एम टू के अंदर दी गई है। अब इस एम थ्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड इसके अंदर जानकारी दी गई है। एन के अंदर है रेगुलेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन ए फार्मेसी। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था शेड्यूल एन, वो यही था कि एक फार्मेसी होती है उसको रन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ये था शेड्यूल एन। शेड्यूल ओ है, शेड्यूल ओ के अंदर है रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लड्स। शेड्यूल पी है, इसके अंदर है रेगुलेशंस रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स। जो ड्रग्स हैं, वेरियस ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स, उनका लाइफ पीरियड है, उसका लाइफ पीरियड क्या है और उसका स्टोरेज कंडीशन इस शेड्यूल पी के अंदर दी गई है। शेड्यूल पी वन के अंदर पैकेजिंग से रिटेल पैकेज साइज से रिलेटेड जो वेरियस ड्रग्स की होती है उससे रिलेटेड रेगुलेशंस दिए गए हैं। शेड्यूल क्यू के अंदर है लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइस एंड कोलतार कलर्स इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में यूज होने वाले डाइस एंड कोलतार कलर्स हैं, उनकी डिटेल शेड्यूल क्यू के अंदर दी गई है। और नेक्स्ट है शेड्यूल आर। शेड्यूल आर के अंदर स्टैंडर्ड फॉर कंडोम एंड अदर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कंडोम्स एंड अदर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड जितने स्टैंडर्ड हैं सारे स्टैंडर्ड शेड्यूल आर के अंदर दिए गए हैं। शेड्यूल आर वन में स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस दिए गए हैं। शेड्यूल एस के अंदर वेरियस कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज एंड डायरेक्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स टू कन्फर्म दी लेटेस्ट VSI। VSI क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज। शेड्यूल टी है, उसके अंदर रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर दी फैक्ट्री प्रोमाइसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी प्रोडक्ट से रिलेटेड इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए फैक्ट्री की प्रोमाइसेस हैं और उनके जो वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट है तो वो किस तरीके से करना है उसकी डिटेल शेड्यूल टी के अंदर दी गई है। शेड्यूल यू के अंदर है मेंटेनेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। इसके अंदर रिकॉर्ड रखना होता है तो उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है, उससे रिलेटेड डिटेल दी गई है। U1 है शेड्यूल U1 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। इसके अंदर कॉस्मेटिक्स का रिकॉर्ड रखना होता है। इसके अंदर U1 के अंदर ड्रग्स का रखना होता है U1 के अंदर कॉस्मेटिक्स का रखना होता है। हमारे जो लास्ट है शेड्यूल्स टू द रूल्स वो है ये जो है शेड्यूल वी। शेड्यूल वी के अंदर क्या है? स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिंस। इसके अंदर जो पेटेंट मेडिसिंस हैं या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोप्राइटरी मेडिसिंस हैं उनसे रिलेटेड स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल दी गई है। उनका स्टैंडर्ड हालांकि होता नहीं है लेकिन उनके से रिलेटेड जो उसका स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके तो उससे रिलेटेड डिटेल शेड्यूल वी के अंदर दी गई है। शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर है लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली। इसके अंदर जो जेनेरिक नेम से जो ड्रग्स बिकती हैं मार्केट में वो सारी ड्रग्स के नेम शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर दिए गए हैं। शेड्यूल है शेड्यूल एक्स के अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रॉपिक एंड अदर ड्रग्स लाइकली टू बी मिसयूज फॉर एडिक्टिव पर्पज। शेड्यूल एक्स के अंदर ऐसी ड्रग्स आती है जो हैबिट फॉर्म करती है या फिर उनकी लत लग जाती है लोगों को, इसके लिए लोग इस कैटेगरी की ड्रग्स को यूज करते हैं जिससे कि क्योंकि उनको आनंद आता है तो शेड्यूल एक्स को हाईलाइट कर रखा ज़्यादा क्योंकि ये आगे भी काम आता है तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके अंदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आते हैं और उनकी लिस्ट दी गई है शेड्यूल एक्स के अंदर। अब लास्ट है हमारा शेड्यूल वाई के अंदर रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है और इससे रिलेटेड गाइडलाइन है, उसकी जो सारी प्रोसेस है वो शेड्यूल वाई के अंदर दी गई है।
तो ये था हमारा कंप्लीट शेड्यूल टू द रूल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर हम देखेंगे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, इसके अंदर हम उसकी जो प्रोविजंस देखेंगे। तो सो थैंक्स फॉर